हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं डिटेल प्रेस पे की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। उसके बाद मैंने पूजा कर ली है और अब मैं आ गई अपने रूम में स्टडी करने के लिए। और स्टडी करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपनी स्टडी टेबल, बुक्स वगैरह सब साफ करती हूँ, तो बस मैं वही काम कर रही थी। और एक्चुअली हम जो भी काम करते हैं ना, हमेशा उसको इज्जत देनी चाहिए। बुक्स को तो बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, सरस्वती माता होती है विद्या की देवी। सो मेरी आदत है, मैं हमेशा इसको साफ सुथरा रखती हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी जूठे बर्तन नहीं रखती। और मैं किसी किसी की आदत होती है, जैसे ब्रेकफास्ट भी वो स्टडी टेबल पर ही करते हैं, तो मेरी वो आदत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि बुक्स के पास कुछ भी जूठा हो। अगर मैं चाय का कप रखती हूँ तो एक सिप लेने के बाद मैं उसे वापस नहीं रखती। और देखिए, इससे आपको भी अच्छा फील होगा और मतलब ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि जूठा जो होता है उसी हाथों से हम फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके उतना इसे अवॉइड करिए और अपना ब्रेकफास्ट जो है वो अपने रूम में किसी और जगह करिए। सो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैं आज कर रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मैंने एक बार थोड़ी सी पढ़ी थी लेकिन उसमें कुछ रह गया था। सो आज मैंने वापस एक क्लास देखी थी तो बस मैं उसको एड किया था, फिर बस अभी मैं वही रिविजन कर रही हूँ। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नोट्स हैं वो मैंने गौरव ज्ञान धारा के चैनल से, गौरव सर से बनाए हैं और उनकी क्लास ली थी मैंने। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैसे तो बहुत बड़ी है, मतलब आप अगर पढ़ना चाहोगे ना डिटेल में तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी जब मेरे एग्ज़ाम पास में है और मुझे बस जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना था, तो मैंने उनकी रैपिड रिविज़न की क्लास थी, मैंने वही ली थी। उसमें क्या है कि उन्होंने मोस्ट बता रखे थे। सो अभी मेरी सिंधु घाटी हो चुकी है, अब मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। और देखिए, ज्योग्राफी जो है ना, अभी मैं पढ़ रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी मेरे चल रहे हैं महाद्वीप के बारे में। सो महाद्वीप मैंने अभी आज शुरू किया था, यूरोप महाद्वीप। सो देखिए, आप जो भी पढ़ाई करते हैं ना, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, आप उन्हें थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप एक टॉपिक अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप उसी को लिए जा रहे हो, नहीं। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा था तो आप उसे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़िए, आपको जरूर समझ में आए, कोई बात नहीं। अगर 1 से 4 दिन लग जाते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक उस टॉपिक को छोड़िए मत। इससे क्या है कि वो आपको टॉपिक भी अच्छे से याद रह जाएगा और जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके वहाँ आंसर सही होंगे। मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ कि अगर मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, मैं उसी ही चीज़ को वापस में रिवाइज कर लेती हूँ, लेकिन जब अच्छे से समझ में आ जाता है उसके बाद ही मैं उसे तीसरे टॉपिक को लेती हूँ। सो अभी मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आ गई थी लंच की प्रिपरेशन करने के लिए, और उससे पहले मैंने NCERT पढ़ ली थी। और कुकिंग करना मुझे वैसे पसंद है, इसलिए मुझे बोरिंग नहीं लगता और मैं फटाफट कुकिंग कर लेती हूँ। और लंच मैंने आज बनाया थी ककड़ी की सब्जी, और बस यहाँ पे मेरा लंच रेडी है। लंच करने के बाद मैं पढ़ाई करूँगी हिंदी की। सो लंच करने के बाद मैंने 1 घंटे रेस्ट कर लिया था, उसके बाद मैं अब 2:30 बज गए थे और 2:30 बजे मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। और हिंदी में मैं आज पढ़ रही थी विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इनका अपना थोड़ा थोड़ा हर दिन आप जरूर इनको टाइम दें, क्योंकि कई बार हम इनमें हमें कभी समझ नहीं आता और हम वहाँ पे जाके एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन गलत कराते हैं, तो इन्हें आप अवॉइड मत करिए। आप ऐसा सोच रही तो ईजी से नहीं, ईजी से भी होते ना, तो भी आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर इनको टाइम दो। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ या कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता या मुझे थोड़ा बहुत आलस आने लगता है, तो बस मैं अपने आप से यही कहती हूँ, आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। मैं यही कहती हूँ कि बस 5 मिनट पढ़ लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट,
जब हम अपने माइंड को ये बोल देते ना कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, तब हमारा माइंड भी हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं देता और वो भी हमें पॉजिटिव फील कराता कि बस 5 मिनट की तो बात है। तो उससे क्या होता है ना कि जब हम 5 मिनट भी अगर पढ़ने लगते हैं तो उसके बाद हमें इंटरेस्ट आता रहता है और फिर हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप खुद देखे सोचिए कि जब सुबह की अलार्म बजती है तब आप यही तो सोचते हो कि बस 5 मिनट और सो जाते हैं, उसके बाद में उठ जाते हैं, फिर उस अलार्म को आप बंद कर देते हैं। तो बस वही रूल यहाँ फॉलो करना है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव तरीके से उसे फॉलो करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे यही बोलना है, सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है तो उसके बाद में आप पढ़ते रहोगे। और देखिए, जब भी आप कोई भी काम करते हो ना, तो अपने माइंड को ना सिर्फ छोटे छोटे टास्क दिया कीजिए, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे। और जैसे अगर आप बुक्स में पढ़ रहे हो ना, तो आप ऐसा बोला करो, जैसे पेज खत्म होने वाला है तो आप ऐसा फील किया करो, बस एक पेज और। और जब भी कोई भी टॉपिक देखो ना, तो उसकी बुक में आप पेजेस मत गिना करो। किसी किसी की आदत होती है, शुरू में वो पेजेस गिन लेता है कितने पेज के, फिर माइंड में ये हो जाता है कि इस टॉपिक कितने पेज है, आज तो नहीं पढ़े जाएंगे यार, कल देखते हैं। तो आप ऐसा करो ही मत। आप जैसे टॉपिक, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको आपने ओपन किया और बस जैसे जैसे लास्ट में खत्म होने वाला होता है ना पेज, उस टाइम आप एक ही बात बोला करो कि बस एक पेज और। ऐसे करके आप पूरा टॉपिक खत्म कर लोगे। अगर कोई पहले से इस रूल को फॉलो करता है तो उसे तो पता है, और अगर नहीं करता तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए और देखिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो भी ट्राई करिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज का मेरा लास्ट लॉट है इंग्लिश लिटरेचर, और अभी मैं उसमें वही पढ़ रही हूँ। और इसमें मेरी जो पेडागोजी है वो एक दो दिनों में पूरी होने वाली है, तो उसके बाद में मैं फिर और कोई टॉपिक देखूंगी। सो आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप थोड़े बहुत मेरे वीडियो से मोटिवेट होते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। एंड आपकी जो भी क्यूरीज होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। हर चीज़ के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सो बी पॉजिटिव। बाय।